हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये चावल के आटे और मूली की कचौड़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे चाय के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मूली और चावल के आटे की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 4 मूली। अब मूली की कोई भी चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले हम उसे छील लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद ही दूसरा काम करते हैं। तो चलिए इसमें भी ऐसा ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम मूली को छील लेंगे। और मूलियों को छीलने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे। अब मैंने मूलियों को अच्छे से छील कर इसे धो लिया है, इसे साफ कर लिया है। तो चलिए इसे फटाफट अब कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है कद्दूकस वाली मशीन और इसके मीडियम साइज़ से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। सारी मूलियों को हम कद्दूकस करके रख लेंगे। कस कर लिया है। तो चलिए अब आगे काम कर लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मंगरायल। मैंने लिया है यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे। एक छोटा चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट, एक छोटा चम्मच नमक। फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है। अब मीडियम फ्लेम पे हम सारी मूली को इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से चला देंगे। इसे ढक कर हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारी मूली भी थोड़ी कम हो गई है, तो अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। हम चावल के आटे को डालकर हम इसके डो बनाना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते चलेंगे और इसमें मिलाते चलेंगे। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चावल के आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें मैंने सारे आटे भी नहीं डाला है, इसमें थोड़ा सा आटा बच गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बस 1 से 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। हाथ पर ले लेंगे थोड़ा तेल, तो बाद हम इसे हिलाते चलेंगे। इसे बहुत ज़्यादा जोर लगा कर नहीं मलना है, जिसे हल्के हाथ से हम धोते चलेंगे इसे। ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे कचौड़ियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले हम चकले पर डाल देंगे थोड़ा सा तेल, इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे चकले पर तेल लगाया है। आप चाहे तो चावल का आटा से डस्ट कर सकते हैं। इसमें से हम ले लेंगे थोड़ी सी लोई। मैंने इतनी बड़ी लोई ली है, इसे गोल कर लेंगे।
बेलन पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। जैसे बेल लेंगे उसे हमें ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, मीडियम में हमें बेलना है। मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास, अब मैं इसे काटूंगी। इसे ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को काट लेंगे। अब एक्स्ट्रा आटे को हम हटा लेंगे। ये हमारी 3 कचौड़ियाँ कटकर तैयार हो गई हैं। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को बना लेंगे। देखिए ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। चलिए तो यहाँ मैंने सारी पूड़ियों को काट कर रख दिया है। चलिए अब इसे छान लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से हल्का धुआं निकल रहा है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है, इसमें कचौड़ियों को डाल देंगे। एक बार में जितनी कचौड़ियाँ आएंगे उतना डालेंगे इसमें। सारी कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर आ गई हैं, इसे हम हल्का दबा देंगे ताकि ये फूल जाए। इसे हम धीरे धीरे दूसरे साइड पलट देंगे। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों साइड से पलटते हुए इसे छान लेंगे। ये हमारी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन छन चुकी हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों ये मेरी गर्मा गर्म मूली और चावल के आटे की कचौड़ी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।